बार फिर से रुक करते हैं सियासत जगत का। जेडीयू और एलजेपी के बीच सियासत शुरू हो गई और एलजेपी में बड़ा फूट हुआ है। सूत्रों आपको बता दें कि एलजेपी के कई दर्जन नेता और कार्यकर्ता जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। जेडीयू के प्रदेश कार्यक्रम में मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। इन्होंने कई नेताओं को, एलजेपी के कई नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया है, यानी कि एलजेपी में सबसे बड़ा फूट विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह है फोन लाइन पर। मनोज, ये सबसे बड़ा फूट कह सकते हैं एलजेपी में, नीतीश बम फूटा है, क्या कहेंगे आप? देखिए मंजुल, एक कहावत है कि जिसके घर खुद शीशे के हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एलजेपी की भूमिका रही, जाहिर सी बात है कि सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है अभी भी, कि एलजेपी के कारण ही जेडीयू को कम से कम सीट मिला। तो वैसी स्थिति में जेडीयू के कार्यकर्ता भी ये मान रहे हैं कि एलजेपी के कारण हम लोगों को काफी क्षति हुई। हालांकि ऐसा देखा जाए तो लगभग पांच विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ में एलजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन एलजेपी के टारगेट पे सिर्फ जेडीयू थी। चिराग पासवान कई सभाओं में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। हालांकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका रही, एलजेपी की भूमिका रही, तो वैसी स्थिति में ये एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू एक बैकफुट पे आ गई, ऐसा सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह से आज लगभग एलजेपी के 60 कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि एलजेपी के कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है। और एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू के कार्यकर्ता ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि मनोज जी, क्या ये हम मान लें कि जिस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए से, जेडीयू से अलग राह पकड़ी थी, विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी, अदावत है एलजेपी के कई नेताओं की, अदावत क्या वही से शुरू हो गई थी, क्या ये हम मान सकते हैं? देखिए, बगावत की लहर तो शुरू हो गई थी विधानसभा परिणाम जो आया था, चुनाव परिणाम जो आया था, उसके बाद उसी समय से विधानसभा चुनाव में से ही जो है बगावत शुरू हो गई थी। हालांकि बहुत सारे जेडीयू के भी नेता, बीजेपी के भी नेता, भिन्न भिन्न पार्टियों के नेता जेडीयू में शामिल होकर के चुनाव लड़े थे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट एलजेपी के पास में उम्मीदवार नहीं था। और सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार की जनता एक नया चेहरा खोज रही है यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में। तो वैसी स्थिति में, हालांकि चिराग पासवान को ये फीडबैक उनके कार्यकर्ताओं ने ही दिया था, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के चिराग पासवान मैदान में तो उतरे थे, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं को साइड कर करके दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद में एक तरह से पार्टी में कार्यकर्ताओं की बगावत शुरू हो गई थी, तो इसको लेकर के चिराग पासवान इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि रामविलास पासवान की बात कुछ और थी, चिराग पासवान का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल सही नहीं है, रामविलास पासवान की तरह नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो चिराग पासवान में रामविलास पासवान का चेहरा देखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं से इनमें नहीं दिख रही है। तो बगावत तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन जिस तरह से इतना सब कुछ चिराग पासवान एलजेपी सुप्रीमो के रवैये और रुख के कारण भी नीतीश कुमार बैकफुट पे नहीं आ पाए, माने जो चिराग पासवान दावा कर रहे थे, क्या अब लगता है कि चिराग पासवान बैकफुट पर आएंगे इस बड़ी टूट के बाद? देखिए, टूट लगातार जारी है। हालांकि विधानसभा परिणाम, जो चुनाव परिणाम आया, एकमात्र एलजेपी को सीट मिला, तो जाहिर सी बात है कि बैकफुट पे तो उसी समय आ गए। 173 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद में एकमात्र सीट पर चुनाव जीतना, जाहिर सी बात है कि बैकफुट पे उसी समय आ गए थे। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं, कहा गया ऐसा कहा गया है कि लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, जाहिर सी बात है कि जेडीयू भी अपने पार्टी का विस्तार करने में लगी हुई है, अपने विधायकों के विस्तारीकरण में लगी हुई है पार्टी। एलजेपी के कार्यकर्ता अगर जेडीयू में शामिल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू में शक्ति आएगी और एलजेपी बैकफुट पे दिनों दिन जाती जा रही है। मनोज जी, एक कहावत है सियासी गलियारों में कि नीतीश जी अपने विरोधियों को कभी छोड़ते नहीं, कभी माफ नहीं करते, क्या इसी कड़ी में इसको देखा जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार काफी कुशल राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
सभी आदमी का अपना अपना मोनोपोली होता है, अपना अपना सिद्धांत होता है। तो ये कहावत है कि नीतीश कुमार जो अच्छा लगता है, जो अच्छा काम होता है उसको वो सराहनीय, उसको वो सराहते भी हैं, काम करते भी हैं, लेकिन जो बगावत जो लोग करते हैं, बुरे काम का जो लोग समर्थन करते हैं, वैसे लोगों को छोड़ते भी नहीं है। मतलब कि नीतीश कुमार अच्छे काम के लिए वो सराहना भी करते हैं, बुरे काम करने वालों को छोड़ते भी नहीं है। कहावत है और ऐसा देखा भी गया है, डिक्टेटरशिप का ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जिस तरह से ये चूंकि राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन जिस तरह से एलजेपी के कार्यकर्ता अगर टूट करके जेडीयू में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के निशाने पर एलजेपी है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी की भूमिका रही, नीतीश कुमार काफी खफा चल रहे थे और वो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एलजेपी को डैमेज करने की कोशिश होगी जेडीयू की तरफ से। जी मंजूर, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को एलजेपी ने, लेकिन अब कुछ महीनों के बाद ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या किस तरह से चिराग पासवान डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, पंचायत चुनाव, यहाँ जो पंचायत चुनाव होता है कोई पार्टी सिंबल तो नहीं होता है। पंचायत चुनाव वो बिहार सरकार के अधीन है, जो है एक ये पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर है, उसमें पार्टीगत तौर पे चुनाव नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जिसके जितने जिसका संगठन जितना मजबूत होगा उसको उतनी ये ज्यादा भागीदारी मिलेगी, ज्यादा सीट मिलेगा। तो वैसी स्थिति में पंचायत प्रतिनिधि अगर अधिक से अधिक अगर चुन करके आते हैं, तो वैसी स्थिति में हालांकि उसका यहाँ पर अगर देखें सरकार के पहलू को देखें, तो विधान परिषद में जो जनप्रतिनिधियों का के वोट से जो एमएलसी जो जीत करके आते हैं, बस वही उतना ही उनकी भूमिका है। बाकी जो है पंचायत के डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट में मेन फैक्टर जो है आज के डेट में पंचायती राज व्यवस्था ही है। तो ये चूंकि पार्टीगत नहीं होता है, इसलिए उसका इसका विशेष महत्व नहीं देखा जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज जी। तो आपको बता दें कि एलजेपी में सबसे बड़ी फूट हुई है, कई नेता जो हैं वरिष्ठ नेता एलजेपी को छोड़ जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। यह बड़ा जो है टूट, नीतीश बम फूटा है एलजेपी में, और अभी तक चिराग पासवान की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और भी टूट हो सकती है एलजेपी में।